ग्वालियर में पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कराए गए काम अब उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। उसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फूलबाग शहर का सेंटर पॉइंट है और गर्मी में शाम को यहाँ के अलग अलग पार्कों में शहर के दूर दराज इलाकों के साथ आए लोग परिवार के साथ यहाँ पर बैठे देखे जा सकते हैं। और यही कारण था कि पर्यटन निगम ने 5 साल पहले उसे टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने की प्लानिंग करते हुए विकास कार्य कराए थे। वीरांगना की समाधि पर पुरातत्व विभाग और गोपाल मंदिर के श्रद्धालुओं की समिति के ध्यान देने से यहाँ पर कराए गए कामों का मेंटेनेंस होता रहता है, लेकिन बाकी काम देखरेख के अभाव में बर्बाद हो गया। बता दें कि ग्वालियर शहर के बीचों बीच एक छोटा टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग बैजाताल बारादरी सहित फूलबाग के कुछ हिस्से और वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि में विकास कार्यों पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन अब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग उस पर कलेक्टर साहब के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने उनको ताकीद भी कर दिया है कि आप वहाँ से उस जगह को खाली करें। हम लोग लगातार ताकीद कर रहे हैं और एक दिन उचित समय पर एक्शन लेके वो जगह खाली कराई जाएगी, जो सुंदर जगह उनको वापस रिस्टोर किया जाएगा।